तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। स्टार्टिंग में जो आपने हंगामे ट्रैफिक की आवाज़ें सुनी, उसे आपको लग रहा होगा कि हम जा रहे हैं जी पाकिस्तान में कहीं शॉपिंग करने। ये हरगिज़ पाकिस्तान पर तनकीद नहीं है, बल्कि ये शोर शराबा जो है ना, वो बैरून मुल्क में बैठे हुए लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। तो जस्ट मैंने उनके लिए रिकॉर्ड किया है, क्योंकि हम तो फेस कर रहे होते हैं इस चीज़ को, हर रोज़ आते जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग इसलिए म्यूट नहीं की कि वो भी इस चीज़ को सुन लें और थोड़ा सा महसूस हो जाएँ इस चीज़ से। तो यहाँ पर आए हैं आज हम किंग्स मॉल, यहाँ पर हम करेंगे जी ग्रॉसरी शॉपिंग। और साथ ही साथ आपने देखा कि शाहान की बर्थडे आ रही है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत हम शॉपिंग करने आए हैं। तो देखते हैं जी हम क्या कुछ खरीद पाते हैं यहाँ से। यहाँ पर जी थोड़ी बहुत मैंने वीडियो बनाई है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई, तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं आउटडोर ब्लॉग भी शेयर करूँ। इससे पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन जैसे कि पिछले महीनों में हालात जा रहे हैं, तो बहुत कम ऐसा हो रहा था कि मैं बाहर जा रही थी और ब्लॉगिंग कर पा रही थी, क्योंकि ज़्यादातर भाई जो हैं वही ग्रॉसरी करके आ जाते हैं, तो हम बहुत कम जा रहे थे। तो आज फाइनली हम गए। तो यहाँ पर देखिए जी ये कप्स वगैरह, और बहुत ज़्यादा मुझे ना कप्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि चाय मुझे कितनी ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़रूर कोई ना कोई कप यहाँ से बाय करती हूँ। और आज जो कप्स थे ना यहाँ पर, वो सारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, और दिल कर रहा था कि सारे ख़रीद लें, और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। आप भी देखिए। तो जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया कि हमने किंग्स मॉल जाना है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करती हूँ ताकि आपके लिए एक डिफरेंट सा व्लॉग बना सकूँ, क्योंकि ज़्यादातर व्लॉग जो है वो हमारे किचन से रिलेटेड होते हैं, हमारे जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ होती हैं उससे रिलेटेड होते हैं। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है। होप सो आपको अच्छी लगेगी वीडियो, तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अगर पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि जो हमारी फैमिली है, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, वो थोड़ी सी और इंक्रीज हो सके और इसमें और मेंबर्स जो है वो शामिल हो सके। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स बनाए हैं ताकि आपके साथ शेयर कर सकूं। तो फाइनली यहाँ पर जी शॉपिंग जो है वो हो गई है हमारी कंप्लीट, घर चल के मैं आपको सारी चीजें दिखाती हूँ। और जी यहाँ पर चेंजिंग ये आई है कि जो शॉपर बैग्स है, वो आपको पता है कि प्लास्टिक बैग शॉपर बैग जो है वो बैन हो गए हैं यहाँ पर, तो उन्होंने ना इस तरह से अब शॉपिंग बैग्स जो है वो बना ली है। आई थिंक सो ये थोड़ा सा ना स्टफ इसका कपड़े की तरह का है और प्लास्टिक बैग से काफ़ी डिफरेंट है, तो अच्छा है ये, और बहुत ज़्यादा चीज़ें इस पर आ जाती हैं और इजी टू कैरी भी है। तो इसकी भी प्राइस है जी पर बैग जो है 15 रुपीज़ में हमें मिला है। तो अब देखिए जी ये भी खर्चा जो है वो ग्रोसरी में इंक्लूड हो जाना है। तो यहाँ पर देखिए जी ये सारी चीज़ें हमने ख़रीदी हैं। तो सबसे पहले हमारी यही कोशिश होती है कि घर पर आते ही इन सारी चीज़ों को बैग्स में से निकाल लिया जाए, क्योंकि टील पे जो खड़े होते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं देखते कि कौन सी चीज़ खाने वाली चीज़ जो है वो साबुनों के साथ रख रहे होते हैं, सर्फ़ के साथ रख रहे होते हैं। तो घर आकर सारी चीज़ों को हम बैग्स में से निकालते हैं और इनको इनकी जगह पर रखते हैं। तो सबसे पहले जी यहाँ पर ये सारी ग्रोसरी की चीज़ें हैं, और जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो शाहान अपने लिए लाया है। ग्रोसरी आइटम्स जो हैं वो सिमिलर ही होती हैं हम सब की, यानी जो जो हर घर में आ रहा होता है तो वही उसी तरह से ग्रोसरी होती है सभी की। तो ये है कि इम्तियाज़ से हर चीज़ जो है वो मिल जाती है, अच्छी मिलती है, और यानी जो यहाँ पर दालें वगैरह हैं, बेसन, सूजी और इस तरह की चीज़ें हैं ना, तो बहुत अच्छी उनकी क्वालिटी है और चीज़ बहुत अच्छी बनती है उनकी प्रोडक्ट से बनाई जाए, तो काफ़ी अच्छी हर चीज़ मिलती है। और मैं देख रही होती हूँ कि बहुत से ब्लॉग्स में लोग ज़्यादातर इम्तियाज़ से शॉपिंग करते हैं, तो हम भी वहीं से करते हैं। तो पिछले दिनों आपको भी पता होगा कि डिटॉल जो है वो बिल्कुल नायाब हो गया था, बल्कि मिल ही नहीं रहा था, तो फाइनली आज डिटॉल भी हमें मिल गया है, तो डिटॉल भी हम लेकर आए हैं। Thank you.
और थोड़ी बहुत ये हमने चीज़ें ली हैं जो कि मेरी सिस्टर ने ली हैं, आई थिंक सो ये सॉस वगैरह डालने के लिए उन्होंने लिया है। और एक हमने ली है जी ये ग्लास कैंडी, बहुत अच्छी ये डिश थी तो फाइनली हमने ये भी ले ली। यानी शॉपिंग करने जाएं, ग्रोसरी ही करने जाएं तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ले ली जाती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। अगर बर्तनों के सेक्शन में ना भी जाना हो, ना भी खरीदना हो, तो चक्कर लगाने जाए ना तो कोई ना कोई चीज़ उठा ली जाती है। तो यहाँ पर ये हमने मग लिया है, आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा डिज़ाइन लगा, काफ़ी डिफरेंट सा अच्छा सा लग रहा था तो हमने ये ले लिया। और फाइनली आज हमें बटर पेपर भी मिल गए हैं, क्योंकि कुछ अरसे से हमें बिल्कुल नहीं ये मिल रहे थे, और आपको पता है कि बेकिंग में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो आइंदा आने वाले वीडियोस में भी आप इसको हमें यूज़ करता हुआ देखेंगे, और बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। और ये देखिए जी पान बहार जो कि मेरा फेवरेट है, और ज़रूर ये हर ग्रोसरी आइटम में ना ज़रूर आता है। तो ये है जी शाहान की बर्थडे की कुछ शॉपिंग, क्योंकि जो चीज़ें हमारी माइंड में थी वो वहाँ से फाइनली मिल गई, और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम मार्केट वगैरह से बाई कर लेंगे। तो लेकिन यहाँ से जो चीज़ें मिल गई हैं वो हमारे माइंड में थी, और एक होता है ना कि हमने माइंड बनाया होता है कि ये चीज़ मिल जाए, तो फाइनली वहाँ से मिल गई और बहुत अच्छी मिल गई हैं। ये था जी आज का मेरा व्लॉग, होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट किए बगैर मत जाइएगा। अब इन सारी चीज़ों को मैं इनकी जगह पर रखती हूँ और आपसे लेती हूँ इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे व्लॉग्स को इसी तरह से देखते रहिए, और अपना प्यार जो है वो देते रहिए अपने कमेंट्स के थ्रू, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।